क्रिकेट के पटल पर सबसे रोचक और एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने वाला T20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग का अपना ही एक खास जलवा है। ये लीग साल भर में करीब 2 महीनों के लिए ही आता है, लेकिन इस लीग को लेकर फैंस पूरा साल भर बहुत ही बेताबी के साथ इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग केवल नाम से है बल्कि ये किसी इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग से कम नहीं है, जहां एक ऐसी टीम है जिसने अपने 15 सीजन में बदल डाले हैं पूरे 14 कप्तान। तो है ना ये अनोखा वाक्य। इस वीडियो में हम आपको इस अनोखी टीम से रूबरू करवाने जा रहे हैं। साल 2008 में अपनी शुरुआत के बाद से ही इस टूर्नामेंट में न केवल भारत बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई है। एक से बड़े एक रिकॉर्ड, एक से एक अद्भुत नजारे और एक से एक हंगामे यहाँ खूब देखने को मिलते रहते हैं। IPL के मंच पर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, जिसमें बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग तक में हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह से कुछ तो अपनी कप्तानी का डंका यहाँ ऐसे बजा रहे हैं मानो उनकी कप्तानी से आगे उनका फ्रेंचाइजी किसी और के नाम पर विचार ही नहीं कर सकता। हमने देखा है कि कुछ कप्तान अपनी अपनी टीमों की सालों से अगुवाई कर रहे हैं, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए महेंद्र सिंह धोनी तो मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा। वहीं पिछले सीजन को छोड़ दें तो विराट भी RCB के साथ लंबे समय तक कप्तान रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको कप्तानी को लेकर ही एक ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। हम यहाँ इस वीडियो में आपको इस टीम के नाम से पर्दा हटाते हुए पूरी कहानी बता ही देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इस अनोखी टीम के बारे में जानते हैं। ये टीम है बॉलीवुड की डिंपल गर्ल कही जाने वाली प्रीति जिंटा की मालिकाना हक वाली पंजाब किंग्स। ये फ्रेंचाइजी पहले ही सीजन से खेल रही हैं, जिनके साथ कई बड़े दिग्गज नाम जुड़ चुके हैं। इन्होंने अपने पहले खिताब की तलाश में 1, 2, 5 या 8 नहीं बल्कि पूरे 14 कप्तान बदल डाले। IPL के इतिहास में ये किसी एक फ्रेंचाइजी की ओर से इतने कप्तानों का प्रयोग करने का बड़ा अनोखा रिकॉर्ड है। इन्होंने सबसे पहले 2008 में युवराज सिंह को प्रोफेशनल प्लेयर के तौर पर जोड़ा और कप्तानी सौंपी। इसके बाद तो कप्तानी की लाइन ही लग गई। इतने कप्तान आते रहे कि टीम में खेलने वाले खिलाड़ी ही कंफ्यूज होते रहे कि किस कप्तान के साथ तालमेल बिठाया जाए। 2010 में श्रीलंका के दो दिग्गज कुमार संगकारा और माहिला जयवर्धने ने कप्तानी संभाली। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने 3 सीजन तक कप्तानी संभाली। इस दौरान उनके साथी खिलाड़ी डेविड हसी को भी कमान संभालने का मौका मिल गया। गिली के जाने के बाद उन्होंने कंगारू टीम के ही पूर्व कप्तान रहे जॉर्ज बेली पर भरोसा जताया, जिनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स ने 2014 में फाइनल में जगह बनाई और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसी बीच एक मैच में वीरेंद्र सहवाग ने भी अगुवाई की थी। बेली के बाद 2016 के सत्र में डेविड मिलर को कमान सौंपी, लेकिन बीच सीजन में ही उन्हें हटाकर मुरली विजय को नया कप्तान बना डाला। अगले एडिशन में इस काम की जिम्मेदारी ग्लेन मैक्सवेल को दे दी गई। इसके बाद फिर से 2018 और 2019 के लिए आर अश्विन को चैंपियन बनाने का काम सौंपा गया। यहां सफलता ना मिलने के बाद KL राहुल को भी इस काम में लगा दिया गया, जो 2020 और 2021 में कप्तान रहे और पिछले ही सीजन में राहुल की टीम छोड़ने के बाद मयंक अग्रवाल को कैप्टेंसी दे दी गई। इस दौरान शिखर धवन ने भी इस बहती गंगा में अपने हाथ धो डाले। कुल मिलाकर 15 सीजन में इन्होंने खिताब जीतने के लिए 14 खिलाड़ियों को कप्तान बना डाला, जो अपने आप में काफी हैरान करता है। आप अपनी स्क्रीन पर पंजाब किंग्स के अब तक के सभी कप्तानों और उनके रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये अनोखी जानकारी? तो चलिए आपको हमने इस वीडियो में IPL से जुड़ा एक खास पहलू परोसा। अब हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।